नमस्कार दोस्तों, मैं भगत अमित गोरख लाल वेग गुरु गोरखनाथ धाम सिंहपुरा कला रोहतक से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये गोरख म्यूजिक एस्ट्रोलॉजी, आज का अपना विषय होगा क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है और दिवाली के ऊपर सारे तंत्र मंत्र चलते हैं, तो अपने आप को कैसे बचाया जाए, कैसे उनसे रक्षा की जाए, और जिनके जो ने कुछ तंत्र मंत्र किया कराया है और उनको समझ में नहीं आ रही, उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि दिवाली के ऊपर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होली और दिवाली के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करती है, चाहे किया कराया हो या करने वाला हो। अगर कोई आपके दुश्मन है, शत्रु है, कोई भी है, तो दिवाली पे ज़्यादा अटैक करेंगे वो चीज़ें, क्योंकि सारे देवी देवता, सभी देवी देवता, सभी माताएं, सभी मशानियां, सभी भूत, सभी पितृ, सभी जागृत होते हैं होली दिवाली के ऊपर, क्योंकि सबकी पूजा की जाती है, सभी चेतन होते हैं। तो इस दिन सबसे ज़्यादा डर रहता है, किसी के किया कराया है तो उसके ऊपर भी, और अगर आपके प्रेत बाधा है तो वो भी सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपके ऊपर न सोच लो दशहरे के बाद या महीने पहले घर में बीमारी आनी शुरू हो जाए, बिना बात का झगड़ा शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये सोच लो कि आपके ऊपर किसी ने करवा रखा है और दिवाली का टाइम आ रहा है, वो चीज़ें आपके ऊपर घेरा घाल रही हैं आपके घर के ऊपर, तो उससे जो है निजात पाने के लिए तो आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी भगत के पास जाना पड़ेगा, उसका सही प्रकार से जो है इलाज करवाना पड़ेगा, ये तो बात अलग है। उससे बचाव कैसे करें, उससे बचाव के लिए आप जो है सबसे पहले अपने पितरों को स्ट्रॉन्ग करो, अपने कुल देवता को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अगर आप थाली बैठे रहे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अगर किसी भाई का सेक्सुअल इफेक्ट होता हो, स्वप्न दोष होता हो, लुगाई सपने में दिखती हो, तो स्पेशली जो है मेरे से आके मिल सकते हैं। इस चीज़ का जो है आपको भगवान की दया से, परमात्मा की दया से, बाबा गोरखनाथ की दया से आपका पक्का इलाज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी केस फोन आते भी मेरे पास आए भी हैं, काफ़ी केस इस चीज़ के बारे में। अगर किसी चीज़ भाई का ये इफेक्ट है तो आके मेरे तक मिल सके, ये इसलिए मैंने कहा है कि कई शर्माओं हैं, अगर शादीशुदा है फिर भी, और अनमैरिड है फिर भी, अगर लुगाई सपने में दिखती है, सपने में लुगाई को आदमी दिखता है, लुगाई को भी आदमी दिखता है, तो इस प्रकार की कोई समस्या तो मिल सके, क्योंकि ये गंभीर समस्या आदमी को डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है, लुगाई हो चाहे औरत हो अंदरूनी तौर पे। तो ये सारा इसी से रिलेटेड है, तंत्र मंत्र से ही रिलेटेड चीज़ें हैं ये। तो दूसरा अपना चीज़ मैं बता रहा था आपको कि इनसे बचाव कैसे करें, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है। एक तो आपको जिसके भी ये चीज़ हैं उसको चौराहे से और शमशान से इन दिनों में बच के निकलना पड़ेगा, जहाँ तक हो सके कम से कम चौराहे पे जाएं और कम से कम शमशान में जाएं, ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया होती है वो शमशान और चौराहे से होती है, और वहीं से ये सीधे अटैक इंसान के ऊपर करती है। अगर आप घर में देवी देवता ही पूजा करा है तो बच रहे हैं, लेकिन आप चौराहे में जावांगे तो वो एक दंता अटैक करेगी, तो उससे बचने के लिए आप उनसे पहला बचाव तो है क्यों, और दूसरा जो है अपने कुल देवता की, अपने पितरों की इस टाइम पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनका मंत्र जाप करें, मंत्र नहीं है तो उनका नाम लेके उनका जाप करें। और एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका बहुत ही काम देगा इस समय, इस समय हर शनिवार को आपने एक काला कपड़ा एक नारियल, एक काला कपड़ा एक नारियल,
और 8 कोयले कच्चे, ये वारगन है, और 8 रुपए के सिक्के, एक एक के 8 सिक्के। ये आपने ऊपर से वारगन है, आर के नाम है ये, सीम से बार या किसी वीराने में छोड़का नहीं है, हर शनिवार इतने या दिवाली नहीं जाती। तो ये कर लो भाइयों, बचे रहोगे। अगर किसी गंभीर समस्या है, किसी बीमारी नहीं जा रही, या कोई भूत प्रेत से रिलेटेड है, अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, देखो मिलने का तो मैं कोई पैसा लेता नहीं, ठीक है, आप मेरे से आके मिल सकते हैं, गुरु गोरखनाथ बलाल बेग धाम सिंहपुरा कला रोहतक में। फ़ोन नंबर मेरा लिख सकते हो, 97 282 65 896। तो भाइयों आपका भला हो, बाबा गोरखनाथ दया मेर बनाए रखे सब पे। जय बाबा गोरखनाथ, जय सनातन धर्म की। गुरु गोरखनाथ जी महाराज लाल बेग पीर बौरी केसर मल दुर्गा काली माँ जगदम्बे भवानी की जय हो।